हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक मर्डर मिस्ट्री, माइग्रेट्स डेड मैन को। इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10 और इसकी रॉटन टोमेटोज पे फ्रेशनेस या फिर गूगल पे परसेंटेज दिया नहीं है, पर अगर मुझे इसे देना हो तो मैं तो इसे 95% दूंगी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है। और अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको पता चल जाए। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम होता है कोलम्बानी। यहाँ पर कोलम्बानी एक फार्म हाउस में आया होता है, जहाँ जब वो फार्म हाउस के अंदर जाता है तो वहाँ पर लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। यहाँ पर एक लेडी भी होती है जिसे टेबल पर न्यूट करके बांधा गया होता है, और यहाँ पर शायद उसे टॉर्चर किया जा रहा होगा। यहाँ जब कोलम्बानी ऊपर जाता है तो उसे अलमीरा में से एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो कि जिंदा होती है। वो किलर से बचने के लिए अलमीरा के अंदर बैठ गई होती है। असल में कुछ वक्त से कुछ केसेस हो रहे होते हैं और इन केसेस में किसी बहुत अमीर फार्म हाउस के लोगों को मार दिया जाता है, और ये सारे फार्म हाउसेस पिसर्डी फार्म के पास में होते हैं, जो कि एक जगह का नाम होता है। इस न्यूज़ को मीडिया में और प्रेस में भी बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा होता है, और सबका शक होता है एक आदमी के ऊपर जो कि अननोन होता है, मतलब किसी ने भी उसे देखा नहीं होता है। पर हर उस दिन जिस दिन क्राइम हुआ था, उस दिन वही अननोन आदमी पेरिस से गिडरविले तक की ट्रेन लेता था। अब ये इतनी अजीब बात इसलिए होती है क्योंकि वो ऐसी ट्रेन होती थी जो कि हर स्टेशन पर रुकती है, और गिडरविले उसका लास्ट स्टेशन होता है। तो मतलब कि इतनी दूर हर स्टेशन पर रुकते रुकते जाना, और वो भी उसी उसी दिन जिस दिन क्राइम हुआ, इसलिए पुलिस की नज़रों में वही सस्पेक्ट होता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेस के थ्रू आम लोग भी जानते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी से बच के भाग रहा होता है, उसका दो लोग पीछा कर रहे होते हैं। इस आदमी का नाम होता है एल्बर्ट। एल्बर्ट यहाँ से उनसे बचते बचाते एक बार में पहुँचता है, जहाँ पहुँच कर वो सूज सिट्रॉन नाम की एक ड्रिंक ऑर्डर करता है और वहीं के फ़ोन बूथ से फ़ोन करने लगता है, और वो फ़ोन करता है हमारी फिल्म के हीरो और डिटेक्टिव माइग्रेट को। माइग्रेट उसका कॉल रिसीव करता है तो वो आदमी बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूँ, आप मेरी वाइफ को जानते हैं, उसका नाम है नीना और मैं नीना का हस्बैंड हूँ, और 220 से मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, और 220 का मतलब यहाँ पर टाइमिंग है। अब इससे पहले कि माइग्रेट उसे कुछ पूछ पाता, कॉल कट हो जाता है। लेकिन कॉल कट होने से पहले एल्बर्ट ने उसे बार का नाम बता दिया होता है, तो माइग्रेट जेवियर को उसी बार में चेक करने को बोलता है। अब थोड़ी देर बाद माइग्रेट को दूसरा कॉल आता है जो कि उसी आदमी ने किया होता है। वो बोलता है कि मेरी जान मुसीबत में है, क्या आप एक जगह पर मुझसे मिलने आ सकते हैं? ऐसे बोलकर वो एक दूसरे बार का नाम बताता है। माइग्रेट और ले पॉइंट उस बार में जाकर बैठते भी है, पर उस बार में कोई भी नहीं आता। अब दूसरी तरफ एल्बर्ट का वो लोग लगातार पीछे कर ही रहे होते हैं, तो वो उनसे बचते बचाते एक पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है, जहां पर वो इनवेलप लेता है और उसके अंदर कुछ डालकर उसे पोस्ट कर देता है। उसके बाद वो पहला कॉल पुलिस को मिलाता है, पर फिर वो कॉल कट कर देता है, और फिर अगला कॉल वो अपने फ्रेंड को मिलाता है और उससे बोलता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है और तुम मुझसे आके मिलो। यहाँ पर वो जगह नहीं बताता जहाँ पर वो उस आदमी से मिलने जा रहा होता है, मतलब कि उस आदमी को पहले से ही पता होता है कि वो दोनों कहाँ पर मिल सकते हैं। अब जब वो पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलता है तब वही दोनों आदमी उसे देख लेते हैं, और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक कार को देखते हैं जो कि अचानक से आकर एक रोड पर रुकती है, और उसमें से वो एल्बर्ट की लाश को बाहर फेंक देते हैं और वो कार वहाँ से भाग जाती है। अब ये सारा इंसिडेंट वहीं पर खड़े एक आदमी ने देख लिया होता है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस आ जाती है, तो वही आदमी जिसने सब कुछ देख लिया था, वो सारी चीज़ें मतलब कि कार का कलर वगैरह सब कुछ वो पुलिस को बता देता है। एल्बर्ट की लाश के फेस को बहुत ही ज़्यादा गंदी तरह से बिगाड़ दिया गया होता है, इतना कि उसकी शक्ल पहचानना भी मुश्किल होता है। अब उसकी लाश को पुलिस स्टेशन में ले आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि इसके पैर काफ़ी फ्लैट हैं, तो मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ये काफ़ी टाइम तक खड़ा रहता हो, मतलब कि जो भी जॉब करता है उस जॉब में इसे बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, और इसके कपड़े बहुत ही नॉर्मल और सस्ते हैं, तो मतलब कि ये एक मिडिल क्लास आदमी है। और इसके दिल पर चाकू से एक ज़ोरदार वार किया गया है, और इसी की वजह से इसकी मौत हुई है। और मरने से कुछ वक्त पहले इसने क्रीम कॉट, एप्पल और वाइन पी थी। अब बाकी पुलिस जो बाहर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उससे पता चलता है कि उसने पोस्ट ऑफिस से पुलिस को करने के बाद कहीं और भी कॉल किया था, और उसने पोस्ट ऑफिस से एक इन्वेलप भी लिया था। दूसरी तरफ जेवियर को भी इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चल जाता है कि वो कार जो उस आदमी ने देखी थी, वो कार 8 दिन पहले किसी की चोरी हो गई थी। और वहीं पर डॉक्टर भी खड़ा होता है जो ये बताता है कि लाश के जूते में से हमें जो मिट्टी मिली है वो किसी ऐसे जगह की है जो कि पानी के आसपास है। अब माइग्रेट विक्टिम के कपड़ों को देख रहा होता है, तो वो ये चीज़ नोटिस करता है कि शर्ट और कोट दोनों कपड़ों पे चाकू के लगने के बाद अलग अलग हैं। तो मतलब कि जिस टाइम पर विक्टिम का मर्डर हुआ होगा, उस टाइम पर उसने कोट नहीं पहना था, और उसका मर्डर किसी घर में हुआ था,
और मर्डर बाहर हुआ है ऐसा दिखाने के लिए उसे ऊपर से कोट पहना दिया गया और कोट के ऊपर भी वैसे ही निशान बना दिया गया, पर दोनों का निशान अलग अलग जगह बन गया। वो ये भी बोलता है कि कोट से ट्राउजर का कलर मैच नहीं कर रहा, और ऐसा नहीं होता है, मतलब कि लोग मैचिंग के ही कपड़े पहनते हैं। तो ज़रूर ऐसा हुआ होगा कि वो अपने घर गया होगा जहाँ पर जाकर उसने सबसे पहले अपना कोट उतारा होगा, बाद में उसे मार दिया गया होगा और फिर उसकी डेथ बाहर हुई है ऐसा दिखाने के लिए उसे ऊपर से कोई दूसरा कोट पहना दिया गया होगा जिसका कलर उसके ट्राउजर से मैच नहीं करता। नेक्स्ट सीन में माइग्रेट और जेवियर उसी बार में जाते हैं जिस बार से एल्बर्ट ने कॉल किया था। उस बार में जाकर माइग्रेट को पता चलता है कि एल्बर्ट ने यहाँ पर सूज सिट्रॉन नाम की ड्रिंक ऑर्डर की थी। यहाँ पर माइग्रेट बोलता है कि उसने बोला था कि 220 से वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अब लोग 220 के आसपास लोग कहाँ पर होते हैं, मतलब कि वो कौन सी जगह होगी जहाँ पर वो हो सकता है। तो माइग्रेट ये गेस करता है कि शायद वो किसी ट्रेन के आसपास या फिर किसी हॉर्स रेस के आसपास वाली जगह पर होगा। फिर माइग्रेट बोलता है कि किसी रेस कोर्ट में जाकर उसके बारे में पता करो। यहाँ पर ले पॉइंट रेस कोर्ट में जाता भी है पता करने के लिए, और यहाँ पर उसे काउंटर से पता चलता है कि एल्बर्ट वहाँ पर हमेशा आता था। नेक्स्ट सीन में हम माइग्रेट के बॉस को देखते हैं जो कि कहते हैं कि ये केस क्लोज कर दो, ये केस जरूर अंडरवर्ल्ड का होगा, मतलब कि जिस तरह से उसे मारा गया है, मतलब कि उसका चेहरा इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ होना, फिर उसे कार से ऐसे लाश उसकी फेंक देना, इस तरह से क्राइम अंडरवर्ल्ड के लोग करते हैं। और यहाँ से अब तुम कोलंबानी को असिस्ट करोगे। कोलंबानी वही ऑफिसर है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था जो कि फार्म हाउस वाली किलिंग्स का केस सॉल्व कर रहा है, और अब वो यहाँ पर आया है ताकि उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम मिल सके और ज़्यादा अच्छी हेल्प हो सके। अब इसके बाद मूवी में एक तरफ कोलंबानी का केस चलता रहता है और दूसरी तरफ माइग्रेट अपना केस चलाता रहता है। यहाँ पर उसने कोलंबानी से भी बोल दिया होता है कि मेरा सारा स्टाफ आपकी हेल्प करेगा, सिर्फ जेवियर और ले पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि वो मेरी किसी दूसरे केस में हेल्प कर रहे हैं, और कोलंबानी भी इसके लिए मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में माइग्रेट अपने घर पे होता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ से बातें कर रहा होता है। अब माइग्रेट बोलता है कि कोई आदमी जब किसी बार में जाएगा तो वहाँ पर जाकर वो इतनी लो अल्कोहल वाली सूजे सिट्रॉन जैसी सिंपल सी ड्रिंक क्यों ऑर्डर करेगा, मतलब अगर कोई बार में जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा अल्कोहल वाली ड्रिंक ही मंगाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो अक्सर सूज सिट्रॉन को पीता होगा, इसीलिए जब बारटेंडर ने उससे पूछा तो उसके मुँह से रैंडमली वही नाम निकला। और ऐसी ड्रिंक को लोग बार में कम पीते हैं, ऐसी ड्रिंक को लोग रेस्टोरेंट वगैरह में ज़्यादा पीते हैं। और उसकी शर्ट में सबसे ज़्यादा तोड़ मरोड़ सिर्फ उसके हाथ की स्लीव्स पर थी, मतलब कि वो कोई ऐसा काम करता है जिसमें उसे अपनी शर्ट फोल्ड रखनी पड़ती है, और उसके पैरों से हमें ये पता चला था कि वो ज़्यादातर खड़ा रहता है, तो मतलब कि ज़रूर वो किसी कैफ़े या फिर रेस्टोरेंट का ओनर होगा। और उसने पोस्ट ऑफिस से जिस किसी को भी कॉल किया उसे कॉल करने के बाद वो अपने घर गया और उसने आराम से अपना खाना खाया, तो मतलब कि कॉल करते वक्त वो इस बात से श्योर होगा कि अब उसका दोस्त आएगा और उसकी हेल्प करेगा। अब माइग्रेट की वाइफ बोलती है पर उसका फ्रेंड समय पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि उन्हें ऐसा पता चला था कि वो कार जो कि चोरी हुई थी वो रास्ते में एक जगह पर डैमेज भी हो गई थी, तो मतलब कि जिस टाइम पर वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर की तरफ आ रहा होगा उसी वक्त रास्ते में उसकी कार टूट गई होगी, जिसकी वजह से उसे उस आदमी के घर तक पहुंचने में टाइम लगा होगा, और जब वो पहुंचा तब तक हमारा विक्टिम मर चुका होगा। तो माइग्रेट की वाइफ ये भी बोलती है कि अगर वो कार वाला उसका दोस्त था तो फिर उसने अपने ही दोस्त को उठा के ऐसे रोड पे क्यों फेंक दिया, पर इसका अभी तक माइग्रेट के पास कोई भी आंसर नहीं होता। अब माइग्रेट ले पॉइंट को बोलकर उस कार से रिलेटेड सारी डिटेल्स प्रेस में दे देता है और कहता है कि जिस किसी को भी उस कार के बारे में कुछ भी बताओ वो आकर तुरंत हमसे कॉन्टेक्ट करे। यहाँ पर एक लेडी आती भी है जिसने उस कार को देखा था और वो बोलती है कि मैंने एक रेस्टोरेंट के सामने उस कार को देखा था जिस दिन विक्टिम का मर्डर हुआ था उसी दिन, और ये रेस्टोरेंट एक हस्बैंड और वाइफ का होता है जिसमें हस्बैंड का नाम होता है एल्बर्ट और वाइफ का नाम होता है नीना। तो अब माइग्रेट ले पॉइंट और जेवियर उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें कारपेट के नीचे खून भी मिलता है। उसके बाद यहाँ पर वो डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पर अलग अलग जगह पर बहुत सारे फ्रेश फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, जैसे कि छोटे छोटे बॉक्स ऐसी जगहों पे। तो माइग्रेट बोलता है कि अगर वो छोटे छोटे बॉक्सेस में देख रहे थे तो मतलब कि जो भी चीज़ उन्हें चाहिए थी वो बहुत ही छोटी थी जिसे इतने छोटे बॉक्स में रखा जा सके, क्योंकि उन्होंने किसी भी बड़ी जगह पे नहीं देखा। अब यहाँ से वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और वो बोलता है कि कुछ दिनों के लिए हम इस रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं और हम दोनों इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। रेस्टोरेंट को चलता देखकर जो भी किलर्स होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे और इस कंफ्यूजन में वो कोई गलती कर सकते हैं और हम उनके और करीब पहुंच सकते हैं। तो माइग्रेट की वाइफ इस बात के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसने एक बड़ा सा फर वाला ओवरकोट पहना होता है। इस आदमी का नाम होता है जीन। जीन यहाँ से एक ब्रॉथल जैसी जगह पे जाता है। उस ब्रॉथल के अंदर जाकर वो एक रूम में जाता है। उस रूम में तीन लोग होते हैं, इसमें से दो लोग वही होते हैं जिन्हें हमने एल्बर्ट का पीछा करते हुए देखा था, और तीसरी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मारिया जो कि प्रेग्नेंट होती है।
इस रूम में एक छेद होता है, जिस छेद के बाहर से इस ब्रॉथल का ओनर उन सबको देख रहा होता है प्लस उनकी बातें सुन रहा होता है। अब यहाँ पर जीन उन दोनों को बहुत डांटता है और गुस्सा करता है। वो बोलता है कि अगर तुमने उस आदमी को मार दिया था तो फिर वो रेस्टोरेंट कौन चला रहा है। पर इस पर वो लोग कहते हैं कि हाँ हमने तो उसको मार दिया था। तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, दोबारा जाओ देखो और जो भी उस रेस्टोरेंट को चला रहा हो उसे मार दो और वहाँ से वो टिकट भी लेकर आना। अब ये टिकट क्या है और इसके लिए वो क्यों बोल रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। ये सारे ही लोग ड्रग के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं और जैसे ही जीन यहाँ पे आता है वो सब लोग उससे ड्रग मांगने लगते हैं, पर इस पर जीन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जाते जाते एंड में वो उन्हें ड्रग देकर जाता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ से सीधे जाता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जो कि एक जगह पर डांस करती है। अब सीन उसी गर्लफ्रेंड और उसके साथ ही कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसी रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर माइग्रेट अभी काम कर रहा होता है। यहाँ पर माइग्रेट बोलता है कि प्रेस में एक दूसरा मैसेज प्रिंट कराओ और ये मैसेज उस आदमी के लिए होगा जिसे अल्बर्ट ने कॉल किया था। वो कहता है कि प्रिंट कराना कि अगर वो अपनी खैर जाता है तो जल्दी से जल्दी माइग्रेट को उसके घर पे आके मिले और मेरे घर का एड्रेस भी डाल देना। अब जब वो लोग ये सारी बातें कर चुके होते हैं तब वहाँ पे एक आदमी आता है जो कि थोड़ी देर पहले बाहर से उसी रेस्टोरेंट में देख रहा होता है और उसे ऐसे करते हुए माइग्रेट ने देख लिया होता है। तो जब वो आदमी अंदर आता है तो माइग्रेट सबको इशारा कर देता है। अब वो आदमी वहीं के काउंटर पर जाता है जहाँ पर उसके सामने माइग्रेट की वाइफ होती है। अब वो आदमी माइग्रेट की वाइफ को कुछ ना करे इसलिए ले पॉइंट हल्का सा अपने कोट में से उसे गन दिखाता है और डरा देता है। और गन देखने के बाद वो आदमी घबरा के वहाँ से बाहर निकल जाता है। पर उसके बाहर निकलते ही जावेर उसका पीछा करने लगता है और ले पॉइंट और माइग्रेट कार से उसका पीछा करने लगते हैं। अब वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो उन सबसे बच के भाग रहा होता है। पर जब वो एक बंद जगह पे पहुंचता है तभी अचानक से वहां पर पीछे से जीन आ जाता है और उसे शूट करके मार देता है। पर जीन को वो लोग देख नहीं पाते क्योंकि जीन उन लोग के वहां पर आने से पहले वहां से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं जहां पर जेवियर बताता है कि उस आदमी का नाम था विक्टर और उसके पास से हमें एक चाकू भी मिला है और वो 6 महीने पहले सिट्रेन नाम की एक जगह पर काम करता था पर इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर रहा और अब वो ड्रग का एडिक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर माइग्रेट का बॉस आता है तो माइग्रेट उसे बताता है कि उसके पास से एक चाकू मिला है और उसी चाकू से अल्बर्ट को मारा गया था, तो मतलब कि ये काम किसी अंडरवर्ल्ड का नहीं है। ये सुनने के बाद उसके बॉस के मुंह पे बिना हाथ का तमाचा पड़ता है और वो वहां से चला जाता है। अब जेवियर बोलता है कि हमें उस जगह को ढूंढना है जहां पर वो आदमी जाने वाला था और जहां पर उसकी डेथ हुई वो जरूर उसी जगह आसपास कहीं जाने वाला होगा। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां पर वो जाने वाला होता है। यहाँ पर पुलिस छापा मारती है। अब क्योंकि यहाँ पर ब्रॉथल होता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब जिस रूम में वो आदमी और मारिया रह रहे होते हैं तो उनमें से एक आदमी जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी होती है वो वहाँ से भाग जाता है और मारिया को वहीं पर छोड़ देता है। जब पुलिस उसके पास तक पहुँचती है उस वक्त मारिया लेबर पेन में होती है। यहाँ पर माइग्रेट उस जगह के ओनर से बात करता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो कुछ भी बता नहीं रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर तो सिर्फ ये लेडी रहती थी और कोई भी नहीं रहता था। तो इस पर माइग्रेट वहाँ पे पड़े हुए कपड़े दिखाता है जो कि मेल्स के होते हैं। अब वो ओनर बोलता है कि हाँ यहाँ पर 2 लोग और रहते थे। इसके बाद उस लेडी को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब माइग्रेट तलाशी करते करते उस हॉल को भी ढूंढ लेता है जहाँ से वो ओनर उन सब की बातें सुनता था। तो अब वो उस ओनर के पास वापस जाता है और पूछता है तो वो ओनर बताता है कि मारिया के साथ वो सब लोग सो चुके थे प्लस वो सभी लोग साथ में कहीं जाते थे और जब वो लोग वापस आते थे तब अक्सर उनके कपड़ों पर खून लगा होता था और उनके जाने की डेट 3 थी, 8 अक्टूबर, 21 सितंबर और 12 अगस्त। ये वही 3 डेट होती है जिन 3 डेट पर फार्म हाउसेज में किलिंग हुई थी, तो मतलब कि यही वो ग्रुप है जो कि फार्म हाउस में जाकर लोगों को मारता था और वहां से उनका सारा सामान चुरा लेता था। वो ओनर ये भी बताता है कि उनके पास एक वैन थी और वो लोग अपनी वैन से जाते थे। अब माइग्रेट और कोलम्बानी का केस एक ही बन चुका था तो अब वो दोनों बात कर रहे थे। यहाँ पर कोलम्बानी बोलता है कि वो चारों ट्रेन से क्यों नहीं जाते थे, हमें सिर्फ एक ही न्यूज़ क्यों मिली। तो माइग्रेट बताता है कि क्योंकि उनके पास वैन थी और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी उनका लीडर था वो उनके साथ कम से कम रहना चाहता था, इसलिए वो उन तीनों को वैन से भेजकर खुद उतना लंबा रास्ता तय करके ट्रेन से आता था। अब नेक्स्ट सीन में वो रेड शर्ट वाला आदमी जीन से मिलता है। जीन इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में होता है। बाहर निकलकर जीन उसे बोलता है कि तुम मारिया को मार दो क्योंकि अब वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो इस पर उस रेड शर्ट वाले को गुस्सा आती है। वो कहता है कि मैं मारिया को पसंद करता हूँ। तो जीन बोलता है कि ऐसी लड़कियां तो आती जाती रहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो लड़की भी दिला सकता हूँ जिसके साथ इस वक्त मैं कार में हूँ। अब ये सब सुनने के बाद वो आदमी मारिया को मारने के लिए मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम निकोल को देखते हैं। निकोल वही बच्ची होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था जो कि कलमीरा में बैठी थी और बच गई थी। यहाँ पर उसे लेकर आते हैं ताकि वो लोगों को पहचान सके।
अब यहाँ पर माइग्रेट उससे मिलता है और वो उसे मारिया की फोटो दिखाने ही जा रहा होता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम मारिया को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर अब उसका एक बेबी भी हो चुका होता है। अब मारिया को इनकी लैंग्वेज नहीं आती है इसलिए वो उसके लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बुलाते हैं। यहाँ पर माइग्रेट उससे लगातार सवाल कर रहा होता है और वो उन सवालों के रिप्लाई में बस गालियाँ दे रही होती है। तो वो ट्रांसलेटर बोलता है, पता नहीं इसने क्या क्राइम किया है पर आप लोग ज़रा ह्यूमैनिटी दिखाइए, मतलब अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है, उसका एक बेबी हुआ है, ये सब। तो ये सुनने के बाद कोलंबानी उसे वो फाइल दिखाता है जिसमें सभी विक्टिम्स की फ़ोटोज़ होती है। और इतनी ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर्ड हुए विक्टिम्स को देखने के बाद वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी समझ जाता है कि ऐसे लोगों के साथ ह्यूमैनिटी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इसके बाद भी वो अच्छे से रिप्लाई नहीं दे रही होती है। तो माइग्रेट बोलता है कि वो लास्ट घर जहाँ पर तुम लोग गए थे वहाँ पर एक बच्ची बच गई थी और उसने मुझे कुछ बताया है कि एक काले बालों वाली प्रेग्नेंट लेडी उससे घर पे आई थी और वो उसकी माँ को न्यूट करके टॉर्चर कर रही थी। और जब उसकी माँ ने बता दिया कि उनके घर का सेफ कहाँ है तो उसके बाद उस लेडी ने उसकी माँ का गला दबा दिया और उस बच्ची ने तुम्हें पहचान भी लिया है और तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे आराम से सोच लो, उसके बाद मुझे तमीज़ से आंसर देना। अब नेक्स्ट सीन में हम मारिया को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं जहाँ पर पुलिस उसे जेल में लेकर जा रही होती है। तभी सामने से वही रेड शर्ट वाला आदमी आ जाता है और वो गन से मारिया को शूट कर देता है। जेवियर भी रिप्लाई में उसे शूट कर देता है और उस आदमी की भी वहीं पर डेथ हो जाती है, पर इस सब में मारिया भी मर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम माइग्रेट के घर को देखते हैं जहाँ पर वही आदमी उससे मिलने आया था जिसे अल्बर्ट ने पोस्ट ऑफिस से कॉल किया था, जिसके बारे में माइग्रेट ने प्रेस में दिया था कि वो जहाँ कहीं भी हो वो माइग्रेट के घर में आकर उससे मिले। अब वो आदमी बोलता है कि मैंने 10 साल जेल में निकाले हैं और इसके बाद अब मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता, मैं अल्बर्ट के रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर था तो वो मुझे जानता था, जब उसने मुझे कॉल किया तब मैं उससे मिलने भी गया, अब रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी तो मुझे टाइम लग गया, अब जिस टाइम पर मैं उसके रेस्टोरेंट में पहुंचा वो मरा हुआ था। अब मेरे जैसा 10 साल जेल में रहा एक क्राइम रिकॉर्ड वाला आदमी अगर किसी लाश के पास मिलेगा तो पुलिस सबसे पहले उसी को पकड़ लेगी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, उसके चेहरे को बिगाड़ा, उसको ऊपर से ओवरकोट पहनाया और उसकी मौत को ऐसा दिखाया जैसे कि उसकी मौत बाहर हुई हो और ये काम किसी अंडरवर्ल्ड का हो, और ऐसे करके मैंने उसकी लाश को ले जाकर बीच रोड पर फेंक दिया जैसे कि अंडरवर्ल्ड के लोग करते हैं। तो माइग्रेट बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, 10 साल जेल में निकालने के बाद अब तुम्हें दोबारा जेल नहीं जाना चाहिए, क्यों पुलिस को उस आदमी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। इसके बाद वो आदमी उसे एक इन्वेलप देता है, ये वही इन्वेलप होता है जिसे पोस्ट ऑफिस से अल्बर्ट ने लिया होता है। इस इन्वेलप में एक टिकट होता है, टिकट टू गैंडरविले, ये वही जगह होती है जहाँ पर जीन हर क्राइम वाले दिन पेरिस से ट्रैवल करके गैंडरविले तक जाता था, पर यह टिकट उसके पास क्या कर रहा है। और जब इससे पहले हमने देखा था कि जीन गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि उस टिकट को ढूंढो, तब वो इसी टिकट को ढूंढने की बात कर रहा था। यहाँ बाद में ये भी बताता है कि नीना जिंदा है और वो एप्रेजोन में मेरे एक दोस्त के पास है और बिल्कुल सेफ है। अब नेक्स्ट सीन में माइग्रेट उस ब्रॉथल की ओनर के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम हमारे साथ हॉर्स की रेस में जाओगे, अब तक हमें इतना सब कुछ पता चल चुका है और उसके सारे साथी मारे गए हैं, इसलिए अब ज़रूर वो लीडर अपने बचे हुए चोरी के सामान को निकाल कर ये जगह हमेशा के लिए छोड़ना चाहेगा और इसी चोरी के सामान को बेचने के लिए वो हॉर्स रेस में आता था, जहाँ पर आकर वो किसी को अपने चोरी का सामान देता होगा और उससे पैसे लेता होगा। अब उस ओनर को वो लोग हॉर्स रेस में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो ओनर जीन को पहचान लेता है। अब यहाँ से जीन के पास एक ब्रीफकेस होता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर पीछे वाली साइड में एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो घोड़े के तबेले में जाता है। यहाँ पर वो जाकर उसी ब्रीफकेस को खोलता है जिसमें बहुत सारा चोरी का सामान होता है, वो ये सारा सामान एक आदमी को देता है और उसके बदले में उस आदमी से पैसे लेता है। अब जब वो पैसे लेकर निकल रहा होता है तभी सामने पुलिस होती है, तो वो भागने की कोशिश करता है पर फिर भी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर अंदर जहाँ पर टिकट खरीदे जा रहे होते हैं यहाँ पर माइग्रेट एक चीज़ नोटिस करता है कि वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि लोगों के फेंके हुए टिकट्स को उठा रहे होते हैं। कुछ टिकट तो बेकार होते हैं पर किसी किसी टिकट को पढ़ के वो लोग खुश रहते हैं क्योंकि शायद वो ऐसे टिकट होंगे जिन पर उन्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। अब वो लोग जीन को तो जेल में डाल देते हैं पर उसकी गर्लफ्रेंड को माइग्रेट के ऑफिस में बिठा दिया जाता है। अब माइग्रेट आता है और उसकी गर्लफ्रेंड से बात करना शुरू करता है, वो उसे जीन के बारे में बताता है कि वो चोर है और एक किलर है, पर उसकी गर्लफ्रेंड ये बात मानती नहीं है, वो कहती है कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है। तो माइग्रेट बताता है कि वो पहले सिट्रॉन में काम करता था और यहाँ पर जो लोग ऐसी पार्ट टाइम जॉब के लिए आते थे उनके मुँह से उसने सुना था उन फार्म हाउसेस के बारे में जहाँ पर गर्मियों में वही लोग उनके फार्म पर जाकर काम करते थे और वो सारे फार्म हाउसेस के ओनर्स बहुत अमीर थे, और इसके बाद से उसे सिट्रॉन के ही कुछ लोगों को मिला लिया और एक टीम बना ली। वो उन लोगों को इतनी ज़्यादा ड्रग देता था ताकि ड्रग की वजह से वो उन लोगों को हमेशा अपने कंट्रोल में रख सके
और ये सारा सामान जो कि आपने पहना है, ये सारा सामान उन्हीं घरों से चोरी किया हुआ है। ये सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड वो सब कुछ उतार देती है और टूट जाती है। इसके बाद माइक रेड जीन से मिलने जाता है। वो कहता है कि वहाँ पर रेस वाली जगह पे बहुत सारे लोग पड़े हुए टिकट्स उठाते हैं, पर एल्बर्ट भी इसमें से एक था। वो लोगों के फेंके हुए टिकट उठाता था। ऐसे एक दिन उसने तुम्हारा फेंका हुआ कुछ उठाया, पर वो एक घोड़े का टिकट नहीं था, वो एक ट्रेन का टिकट था जो कि गैंडर विले की थी, और इस ट्रेन के बारे में न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा था। इसलिए उस ट्रेन के टिकट को देखते ही एल्बर्ट समझ गया कि वो तुम ही हो जो कि ये सारे मर्डर कर रहा है। अब उसने तुम्हें देखा और तुमने उसे देखा, और इसके बाद से ही तुमने उसके पीछे अपने दोनों आदमी छोड़ दिए। पर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जीन को इस सब को लेकर कोई भी अफसोस नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में माइग्रेट और उसकी वाइफ नीना से मिलने जाते हैं, जो कि अब उसी रेस्टोरेंट को चला रही होती है। नीना और एल्बर्ट एक बेबी का प्लान कर रहे थे, तो माइग्रेट उसे बोलता है कि हमारे पास एक बेबी है जिसकी मर्डर की डेथ हो चुकी है, ये वही मारिया का बच्चा होता है। तो नीना इसे लेने के लिए मान जाती है, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।